नमस्कार। हमारे वीडियो का टॉपिक है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधनों की बहुत अधिकता नहीं है, क्योंकि उस समय के इतिहासकारों ने अपने ग्रंथों में केवल उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जो सम्राटों या सुल्तानों से संबंधित होती थी। इसलिए इन ग्रंथों में हमें शासन संबंधी बातों की कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। यद्यपि जियाउद्दीन बरनी ने अपनी एक पुस्तक फतवा जहांदारी शासन व्यवस्था के बारे में लिखी है, किंतु उसमें केवल मुस्लिम शासन व्यवस्था के सैद्धांतिक स्वरूप को ही प्रस्तुत किया है। व्यवहार में इसका प्रयोग कहाँ तक होता था, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी बरनी की ये पुस्तक और अन्य कुछ समकालीन इतिहासकारों के ग्रंथों से सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है, उससे उसका एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। बर्नी ने सल्तनतकालीन राज्याधिकारियों की एक बहुत लंबी सूची दी है, जिससे पता चलता है कि उस समय केंद्र में कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी थे और किस प्रकार से ये काम करते थे। तो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था की बात करें, उससे पहले हम सल्तनतकालीन राज्य की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि प्रकृति के बारे में भी विद्वानों में मतभेद हैं। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, एस आर शर्मा आदि इतिहासकार इसको एक धर्म प्रधान राज्य यानी थियोक्रेटिक स्टेट मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार जैसे मोहम्मद हबीब, प्रोफेसर इकराम और प्रोफेसर के एम निजामी का मत है कि दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर स्टेट था। किंतु डॉक्टर आई एच कुरैशी के ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने कहा है कि वे न तो इसे पूर्ण रूप से धर्म प्रधान राज्य मानते हैं और न ही पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य मानते हैं, बल्कि इसे धर्म केंद्रित राज्य यानी थियोसेंट्रिक स्टेट मानते हैं। धर्म केंद्रित राज्य से अर्थ यह है कि दिल्ली सल्तनत पूर्णतः धर्म पर अवलंबित नहीं था, या नहीं होते हुए भी सभी दिल्ली सुल्तानों की नीतियां और आचरण इस्लाम से प्रभावित है। इस प्रकार सल्तनत काल में राज्य की प्रकृति के बारे में विद्वानों द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए हैं, लेकिन वास्तव में दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, बल्कि इस्लाम से उसका एक विशेष संबंध था। और इस संपूर्ण युग में इस्लाम ही राजधर्म रहा था। यही नहीं, मुसलमानों को देश में विशेषाधिकार युक्त वर्ग समझा जाता था और उच्च सरकारी पदों पर उनका एकाधिकार था। जहां तक हिंदुओं का सवाल है, जिनका देश में बहुमत था, वो द्वितीय श्रेणी के नागरिक थे और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे। उनको उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझा जाता। सल्तनत की शासन व्यवस्था की हम बात करें तो सर्वोच्च शासक जो था उसको खलीफा कहा जाता था। मुस्लिम राजत्व सिद्धांत के अनुसार संसार के सब मुसलमानों का एक ही मुस्लिम शासक होता था या होता है, जिसे खलीफा कहते हैं। एक समय था जबकि खलीफा ही मुस्लिम दुनिया का सर्वेसर्वा था, किंतु जब अपनी शक्ति का ह्रास हो गया, यद्यपि व्यवहार में दिल्ली सुल्तान भी उनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे, तथापि अपने युग में प्रचलित परंपराओं के अनुसार वे भी खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और अपने को खलीफा का नायब मानते थे। वे उनसे उससे मान्यता प्राप्त करते और सिक्कों और खुतबा में उनका नाम सम्मिलित करते, और इस परंपरा को तोड़ने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने अपने पद के लिए कभी भी खलीफा से मान्यता नहीं ली। उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी तो खिलाफत के आडंबर में विश्वास ही नहीं करता था, और इसलिए वो उसने स्वयं को अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, खलीफा की उपाधि धारण कर ली।
इन दोनों खिलजी सुल्तानों को छोड़कर के अन्य दिल्ली सुल्तान नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। उसके बाद सुल्तान, जो खलीफा का नायब अपने आप को मानता था, ये सुल्तान राज्य का सर्वेसर्वा होता था, और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर ही मुस्लिम राज्य का शासक माना जाता है। सुल्तान उसका प्रतिनिधि होता है, और उसका मुख्य कर्तव्य कुरान प्रतिपादित ईश्वरीय नियमों को कार्यान्वित करना होता है। सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश होता था, उसकी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। उसकी सत्ता यानी सुल्तान की सत्ता पर किसी का नियंत्रण नहीं था। अगर उसकी सत्ता पर किसी प्रकार नियंत्रण होता तो वह केवल शक्तिशाली अमीर वर्ग था, किंतु वह तभी संभव हो सकता था जबकि सुल्तान के पद पर कोई निर्बल व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा सुल्तान को सलाह देने के लिए एक मंत्रीगण होते थे, एक मंत्री परिषद कह सकते हैं, जो सिर्फ सलाहकारी ही परिषद का काम करती थी, और शासन का कार्य संचालन करने के लिए कुछ मंत्रियों की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी, जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते थे, और इन मंत्रियों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती थी। तो मंत्रियों की संख्या मुख्य रूप से चार मंत्री मुख्य होते थे, वजीर, आरिज ममालिक, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। आगे चल करके सदर सुदूर काजी उल कुजात को भी मंत्री के समकक्ष मान लिया गया। तो ऐसे में सल्तनत काल में केंद्रीय सरकार के 6 मंत्री हो गए। कभी कभी नायब और नायब ममालिक भी की भी नियुक्ति की जाती थी, जिसका पद जो है वो सुल्तान के नीचे तथा वजीर से ऊंचा, इन दोनों के बीच में कड़ी का काम करता था। नायब ममालिक नसरुद्दीन महमूद के समय में बलबन को, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर को नायब नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वजीर होता था जो प्रधानमंत्री के रूप में काम करता था, और ये एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता था सुल्तान के बाद। इसके अलावा कुछ जैसे आरिज ममालिक, जो सैनिक विभाग का अध्यक्ष, दीवाने इंशा, ये राजकीय पत्र व्यवहार विभाग का अध्यक्ष होता था, दीवाने रसालत, ये विदेश विभाग का अध्यक्ष, सदरु सुदूर, ये धर्म और दान विभाग का अध्यक्ष होता था, और मुस्लिम प्रजा पर इस्लाम धर्म के नियमों और उपनियमों को लागू करना, दैनिक जीवन में उनसे उनका पालन करवाना, इसका मुख्य काम होता था। एक होता था काजी उल कुजात, ये मुख्य न्यायाधीश या न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था, और दूसरा था कि ये एक तरह से सुल्तान को भी जो है न्याय कार्यों के अंदर सहयोग करता था। तो इस प्रकार मोटे रूप से ये दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। इस पर एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।